कलेक्ट्रेट पट बाल आश्रम परियोजना की टीचर भूख हड़ताल पर बैठी थी। जब रात हुई चारों तरफ सुनसान हो गई, तब भी भूख हड़ताल पर जमी हुई थी, लेकिन जो भी उनकी मांगे थी दिन में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। जब रात हुई और सुरक्षा 100 महिलाओं की राम भरोसे हुई तो अधिकारियों को सुरक्षा के लिए अवगत कराया। तब नींद से जाग तब उन्हें आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आई। उनका कहना है लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि हम पुरानी टीचरों को ही भर्ती करेंगे। और इसके बाद CDO ने बताया कि देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लेके अभी दोबारा एक और निकाला हम लोगों ने मीडिया अभी बच्चों अभी पहले 90 स्कूल्स था, अभी स्कूल्स का जो संख्या है वो कम हो गया, सिर्फ 57 स्कूल्स है। तो ये जो महिला है जो पहले से काम कर रहे हैं, अभी इन सबका कहना है कि हम सभी लोगों को दोबारा लगाया करो, पर ये एक्चुअली वेजेस का है, ये टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है, ये सोशल सर्विस के आधार पर ये होता है, ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पर एंड स्कूल्स का जो संख्या 90 से 57 कम हो गया, तो सभी लोगों को दोबारा हम नहीं लगा सकते हैं, पर इनका कहना है कि हम सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और उसको अधिकार के रूप से, मतलब अपने अधिकार मान गया, ये गलत है। वेज एम्प्लॉयमेंट अलग है, सैलरी एम्प्लॉयमेंट अलग है। तो पर हमने इन लोगों को ये बताया कि जो भी लोगों ने पहले से काम किया उन सभी लोगों को अधिकांश रूप से हम लोगों उन लोगों को कंसिडर करके उनको हम अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट देंगे। पर जो महिलाओं उनका रिटायरमेंट एज से अधिक हो गया, जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, उन जैसा लोगों को हम कंसिडर नहीं कर सकते। कितनी एज की महिलाओं को रख सकते हैं और कितनी एज की महिलाओं को नहीं रख सकते? गाइडलाइन के आधार पर 40 अधिक मैक्सिमम एज है 40, फिर भी हम लोगों ने इनको बताया कि छूट में हम देंगे, कम से कम 10 साल का छूट देके हम आपको लगाने के लिए हमने इन लोगों को आश्वासन दिया, पर उस पर ये सहमत नहीं, दोबारा आके धरना पे बैठ गए। तो अभी इन लोगों को समझाया कि ये गलत है और ये भी मान गए। अभी देख लेते हैं 3 तारीख को जो इंटरव्यू है और शासन को ही इन लोगों की जो बात है उसको हम अवगत कराएंगे और कोशिश करके मैक्सिमम लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट। लिखित रूप में कोई आश्वासन दिया गया है इन्हें? लिखित रूप में नहीं दिया गया है, लिखित रूप में गाइडलाइन के खिलाफ हम कैसे आश्वासन दे सकते हैं? गाइडलाइन अलग है ना, जो शासन से जो गाइडलाइन आता है उसको फॉलो करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, नियम को हटा के हम कोई काम नहीं कर सकते। समाप्त करने के उसमें है, अब समाप्त कर रहे हैं लोग, इसको समाप्त कर रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें अभी सहमत है। इसको DM सर के सामने प्रस्तुत करके DM सर के माध्यम से शासन का अवगत कराएंगे, वहाँ से जो भी निर्णय होगा इन लोगों को अवगत कराएंगे। अगर हो सकता है तो अगर इंटरव्यू 3 तारीख जो हो रहा है इंटरव्यू, उसको हम निरस्त करके डेट को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, DM सर से वार्ता करने के बाद फाइनल डिसीजन। 3 तारीख तक तो फॉर्म सर, हमारी ये मांग है जो अभी ये लोग केंद्र संचालित करेंगे बाल श्रम के, उसमें हमारे पुराने ही स्टाफ को समायोजित किया जाए, और जो ये कह रहे हैं कि हम साक्षात्कार लेंगे इंटरव्यू, वो खत्म होना चाहिए, और एज की जो हमारी इन्होंने बाउंडेशन रखी है वो खत्म होनी चाहिए। हालांकि इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है, अब तो योगी सरकार ने भी जो अब इंटरव्यू होने थे होते थे जो पहले, वो तक खत्म कर दिए। फिर हम तो अनुदेशिकाएं हैं और मानदेय पर रखी गई है, इसलिए हमारा और हमारे तो 14, 15, 20 साल हो चुके हैं इस परियोजना में, तो हमारा तो कोई ऐसा वो है। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगी, आपकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किया गया है? सर कोई इंतजाम नहीं है, फिलहाल तो हम 3 साल से बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं सर हम लोग। हाँ, रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बुजुर्ग हमारी साथी बैठी हुई है, ये इतनी ठंड में यहाँ पे बैठी हुई है, और मेरी काफी बहनें आप देखे पीछे हमारी हिंदू बहनें भी हैं, मुसलमान बहनें भी हैं।